वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। क्या गिवन है? राइट फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज हैज। मींस आपको ये बताना है गिवन जो पार्ट्स हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस नेचर का होगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में टू पार्ट्स हमने बताए थे आपको, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ गिवन है 36/100। बेसिकली दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पार्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अपॉन 100 है तो ऊपर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आने चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.36। बट यहाँ हमें इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, इधर हमें लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करना पड़ेगा या एक दूसरा तरीका और है, वो मैं आपको भी बातें बताऊंगी। फर्स्ट मेथड हम यूज करते हैं, लेट्स से इन सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट 36/100। ठीक है, देखिए लॉन्ग डिविजन करेंगे 36 एंड हियर 100, क्या मिलेगा? क्या 100 से डिवाइड हो रहा है? नो। तो पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, 100 थ्री जा 300 माइनस करेंगे, 60 विल बी रिमाइंडर। नाउ पॉइंट लगा हुआ है, एक और जीरो उतारेंगे, 100 सिक्स जा 600। तो बताइए आंसर क्या आया, 0.36। तो इसका आंसर आया 0.36। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? ऑब्वियसली रिमाइंडर जीरो हो चुका है तो टर्मिनेटिंग है, तो विल राइट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ सेकंड मेथड की मैं बात कर रही थी। देखिए सेकंड मेथड क्या है, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 पावर n × 5 पावर m की फॉर्म बनती है, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, फिर से समझिए, मैंने आपको बताया था लेट्स से ये नंबर है, क्या इसके डिनोमिनेटर में 2 पावर n × 5 पावर m की फॉर्म बन रही है, लेट्स से 36/100 को फैक्टराइज कीजिए आप, क्या मिलेगा? 2 × 2 × 5 × 5, चेक कीजिए, 5 × 5 = 25 और 2 × 4 = 25, 4 = 100, तो इसके वेक्टर्स हो गए। नाउ क्या इसे हम q को, ओनली हमें q को चेक करना है डिनोमिनेटर को, क्या इसमें 2 पावर n × 5 पावर m की फॉर्म बन रही है? ऑब्वियसली यस, देखिए 2 पावर 2 5 पावर 2, दोनों ही कैसे नॉन नेगेटिव है, तो जब भी डिनोमिनेटर में ये फॉर्म बन जाए तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, दिस इज द वन वे, राइट। नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1/11। इसमें भी आप क्या करेंगे, फर्दर इसको लॉन्ग डिविजन से सॉल्व करके देखेंगे, 11 बाहर आ गया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक और जीरो लगाएंगे, यहाँ एक जीरो आ जाएगी, तो 11 9 = 99, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, नाउ यहाँ क्या मिलेगा मुझे, अगेन पॉइंट लगा हुआ है तो हम जीरो उतार सकते हैं, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर से एक जीरो लगानी पड़ेगी, फिर एक जीरो और आएगी। ठीक है, उसके बाद नाउ इट इज डिविजिबल 99, राइट। नाउ अगेन रिमाइंडर 1, तो हम क्या देख रहे, देखो 1 फिर से आ गया, इट मींस 0.09090909, ये 09 क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको ऐसे डॉट डॉट लगा के लीव करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, 0.09 पे बा। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, इट मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और पॉइंट के बाद जो रिपीट है, सॉरी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली, तो बताइए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नेचर, कैसा नेचर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड या तो रिकरिंग लिख दीजिए या रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग और रिपीटिंग। ठीक है, दिस इज योर पार्ट नंबर 2। लेट्स कम टू पार्ट 3, 1/8। देखिए अभी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 × 4 = 32 + 1 = 33/8। ठीक है, अब इस पे क्या लगा देते हैं, लॉन्ग डिविजन 33 8, सो 8 4 = 32
वन विल बी रिमाइंडर, ठीक है, नॉट डिविजिबल, तो वी विल मार्क अ पॉइंट, देन विल टेक अ जीरो. नाउ एट वन जा एट, टेन माइनस एट टू, अगेन पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो आएंगे. एट टू जा सिक्सटीन, रिमाइंडर फोर, पॉइंट लगा हुआ है तो वन मोर जीरो. एट फाइव जा फोर्टी, ठीक है. सो एट लास्ट हम क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो, और पॉइंट के बाद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा. इट मीन्स जब रिमाइंडर ही जीरो हो गया तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है. तो विल राइट कैसा है ये, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग. इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, ठीक है. लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट थ्री अपॉन थर्टी, राइट, अगेन लॉन्ग डिविजन विल अप्लाई. थ्री थर्टी, पॉइंट लगाएंगे, जीरो डालेंगे. थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स, फोर विल बी रिमाइंडर. नाउ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे एक और जीरो आएगी. थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन, माइनस करेंगे तो वन आएगा, अगेन जीरो कॉपी करेंगे. नाउ दिस टाइम इट्स नॉट डिविजिबल, ठीक है, तो वन मोर जीरो वी विल पुट हियर, देन अगेन विल टेक अ जीरो हियर. नाउ थर्टीन सेवन जा नाइनटी वन, नाउ सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट नाइन, ठीक है, अगेन जीरो करेंगे. थर्टीन सिक्स जा सेवेंटी एट, नाउ टू वन, वन टू रिमाइंडर आएगा. अब आप देखिए पॉइंट के बाद अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि देखिए रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है. सो आई सजेस्ट यू कि पॉइंट के बाद आप मैक्सिमम फाइव डिजिट तक जाए, ठीक है, पॉइंट के बाद आप फाइव डिजिट तक जाए और चेक करें हर टाइम रिमाइंडर चेंज ही आ रहा है ना. यस, तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि टर्मिनेट तो ये हो नहीं रहा, तो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. उसका नेचर लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है. सो नाउ दिस इज ओवर, लेट्स कम टू फिफ्थ पार्ट, ठीक है. फिफ्थ पार्ट यहां देखते, देखिए टू बाय इलेवन लॉन्ग डिविजन करेंगे, टू अंदर इलेवन बाहर, पॉइंट लगाएंगे, जीरो डालेंगे. इलेवन वन जाए इलेवन, नाइन विल बी रिमाइंडर, जीरो कॉपी करेंगे. इलेवन एट जा एट्टी एट, नाउ अगेन टू विल बी रिमाइंडर. देखिए फिर से एक बार ऑर्डर देख लेते, इलेवन वन जा इलेवन, नाउ अगेन नाइन, फिर से जीरो डालेंगे. नाउ फर्दर एट एट्टी एट एंड अगेन टू, ठीक है. तो आप क्या देखते हैं, पॉइंट के बाद वन एट वन एट वन एट वन एट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.18 पे बार. तो देखो रिमाइंडर तो जीरो नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और चूंकि रिपीटेशन हो रहा है तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है. नाउ लास्ट पार्ट 329 अपॉन 400, ठीक है. इसको करने के लिए भी आपके पास अगेन, आप जो मैंने ट्रिक बताई थी कि डिनोमिनेटर में 2 पावर n इनटू 5 पावर m बन रहा है, चेक कर सकते हैं. अदरवाइज यू जस्ट गो फॉर लॉन्ग डिविजन. 329 400 बाहर आ जाएगा, ठीक है. क्या डिविजिबल है, नो. सबसे पहले तो हम पॉइंट लगा के जीरो कॉपी करेंगे. नाउ 4, देखिए आप 400 की टेबल मत बोलिए, जीरो को स्किप कीजिए, 4 की टेबल बोलिए. 4 8 जा 32, तो 4 8 जा 32 और दो जीरो है तो यहां हैलिटीज आ जाएंगी. नाउ माइनस 0 9, अगेन 0 0, फर्दर पॉइंट लगा हुआ तो मैं एक और जीरो उतार सकती हूं. नाउ 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, डबल जीरो एज इट इज. नाउ 100 विल बी रिमाइंडर, अगेन नॉट डिविजिबल, तो हम क्या करेंगे, एक और जीरो कॉपी कर सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ है. नाउ दिस टाइम 4 टू द 800 माइनस करेंगे 200, ठीक है. फिर से एक जीरो कॉपी कर सकते हैं, दिस टाइम 4 5 20. अब आप देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो. इट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है. क्या लिखेंगे आप इसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2.
यू नो दैट 1/7 कैन बी रिटन एज मींस 1/7 का डेसिमल एक्सटेंशन आपको दिया हुआ है 0.142857 पे बार. कैन यू फाइंड सॉरी कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिविजन. इफ सो हाउ. ठीक है, 1/7 का एक्सटेंशन आपको दे दिया और आपसे इसके मल्टीपल्स आप ध्यान से देखेंगे ये सारे क्या है 1/7 के मल्टीपल्स है. दिस मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5, 6 और आपसे कह रहा है विदाउट डूइंग एक्चुअली लॉन्ग डिविजन इज इट पॉसिबल टू डू. तो ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल. हाउ लेट मी टेल यू. इन सॉल्यूशन विल राइट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार. ठीक है, नाउ वी नो दैट 2/7 कैन बी रिटन एज 2/7 कैन बी रिटन एज 2 × 1/7 यस और नो राइट. सो 2 विल बी एज इट इज एंड व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 1/7 बाय 2 का तो कोई डेसिमल एक्सटेंशन होगा ही नहीं. इट्स अ इंटीजर पार्ट. ठीक है, इसमें पी बाय क्यू की फॉर्म नहीं है बट ये पी बाय क्यू की फॉर्म है. इसको हम डेसिमल एक्सपेंड कर सकते हैं. वो हमें गिवन है कितना 0.142857 पे बार. तो वी नीड टू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू. सो आफ्टर मल्टीप्लाई 0.285714. ठीक है, सिमिलरली वी कैन टेक 3/7 3/7 क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7 सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 को 0.142857. ठीक है, नाउ दिस टाइम व्हेन यू मल्टीप्लाई सो यू विल गेट 0.42857 नाउ फॉर 3/7 सॉरी इट वाज 3/7 ना. सो नेक्स्ट इज योर 4/7 इट कैन बी रिटन एज 4 × 1/7 4 × 0.142857 नाउ दिस टाइम यू विल गेट 5/7 1/4 2 8 एंड बार एज इट इज. ठीक है, नाउ 5/7 कैन बी रिटन एज 5 × 1/7 सो 5 × 0.142857 पे बार. ठीक है, ये हमारा नंबर है. नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 0.714 बार. ठीक है, नाउ फॉर लास्ट 6/7 कैन बी रिटन एज 6 × 1/7 6 × 0.142857. ठीक है, सो यू कैन सॉल्व इट इजली बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन. सो यू विल गेट 0.85714. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर